दया और करुणा में अंतर है। अब बाजार में निकले और कोई गिर पड़ा है, गर्मी लग गई है, बेहोश हो गया, आपको दया आ गई, परिस्थिति देखकर दया आ गई, अरे रे बेचारे को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, दया। लेकिन बस ये दया भाव प्रकट करते हुए आपको अवश्य दया आई है, आपको जरूर दुख हुआ है, पीड़ा हुई, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आप बस दो मिनट दया भाव प्रकट करके वहीं से अपने काम में गुजर गए, चल पड़े, तो आप दया तक सीमित है, हम दया तक सीमित। लेकिन इसी दया जब क्रियान्वित हो जाती है तब करुणा बन जाती है। मैं उसको अपने घर ले जाऊं, मैं उसका इलाज करूं, मेरा थोड़ा काम रुक जाए तो रुक जाए। करुणा वो है, केवल दिल, दया शायद दिल में रहती है, करुणा पूरी काया में निवास करती है, दिल में। राम क्या है? तुलसीदास जी विश्वामित्र का राम रक्षा का स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र का ये श्लोक है जो हम रोज मंगलाचरण। राम कैसे है? क्यों राम से हम करुणा की भिक्षा मांग रहे हैं? कारुण्य रूपम करुणा करंतम, तेरी काया करुणा से बनी है। विनय पत्रिका में लिखा है प्रभु मूर्ति कृपामयी है, आड़ मांस का देह राम का नहीं है, करुणा का ही काया बनी हुई है वो राम है।